अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और जायकेदार रेसिपी के साथ। और आज की जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी मटन फ्राइड रिब्स तबक मास। घी में बनी ये तबक मास कश्मीरी वाजवान की एक अहम स्टार्टर डिश है। इट्स रॉयल टेस्ट एंड क्रिस्पी टेक्सचर मेक्स यू लैंड इन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। घर पे वाजवान जैसे तबक मास बनाने की तरकीब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तबक मास बनाने के लिए भेड़ का एक मखसूस हिस्सा दरकार है, उसकी पसलियों का हिस्सा यानी कि मटन रिब्स। और यहाँ पे मैंने मटन रिब्स ली हैं और इस तरह से मैंने इनको लंबाई में काट दिया है। अब इन मटन रिब्स को अच्छे से हम वॉश कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर में पानी बॉईल कर लिया है और इसमें मैं लहसुन की 2 से 3 कलियाँ शामिल कर चुकी हूँ। और इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिसमें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची शामिल कर दिए हैं। और अब इसमें 5 से 6 लौंग डाले हैं मैंने, 7 से 8 छोटी इलायची। और 1 से 1.5 छोटी चम्मच इसमें सौंफ पाउडर यानी कि फेनल सीड पाउडर जो है उसमें शामिल कर दिया है मैंने। और 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें अदरक का जो पाउडर है सौंठ उसको मैंने ऐड कर दिया है। और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का शामिल कर दिया है। जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं अपनी जो हमने वॉश करी हुई मटन रिब्स रखी थी वो मैं इस पानी में डाल रही हूँ। इनको मैं प्रेशर कुक करूँगी अंटिल दे आर टेंडर। आप चाहें तो स्लो कुक कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। तीन से चार विसल आने तक मैं इसको पका लूँगी और अंटिल द मीट इज़ टेंडर। यहाँ पे हमारी रिब्स जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं, मटन टेंडर हो चुका है और अब बारी है इनको ड्रेन करने की। स्टॉक को आप रिज़र्व कीजिए और इसको किसी और रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मटन रिब्स हैं यहाँ पे इनको मैंने अलग से निकाल दिया है ताकि ये ड्राई हो जाएं। और यहाँ पे मैंने एक पैन में 3 से 4 बड़ी चम्मच देसी घी लिया है और इसको मेल्ट कर दिया है। और इसमें हम डीप फ्राई करेंगे मटन रिब्स को। जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको फ्लिप कर दीजिए। वाजवान स्टाइल तबक मास घर पर बनकर तैयार है। इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।